Hi guys, in today's video, I will show you how to make smoked chicken curry easily at home. So let's get started without wasting further time. So smoked chicken curry के लिए आपको चाहिए होगा chicken 1 kg, 5 हरी मिर्चें चाहिए होंगी, homemade spice mix मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी आपने किस तरह prepare करना है, ginger garlic paste 3 tablespoon, lemon juice 1 tablespoon और tomato paste 200 grams यानी के 2 साशे use होंगे. So let's get started. तो एक बोल में आपने ऐड करना काली मिर्च का पाउडर 1/2 teaspoon, लाल मिर्च का पाउडर 1 teaspoon, ज़ीरा पाउडर 1.5 tablespoon, फिर चिली फ्लेक्स 1 tablespoon, नमक 1.5 teaspoon और धनिया पाउडर आपको चाहिए होगा 2.5 tablespoon. इसको अब आपने अच्छे से मिक्स करना है और यही मेन मसाला ये तैयार हो चुका है हमारा स्मोक चिकन कढ़ाई के लिए. इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है जी. और लाल मिर्च का पाउडर ज़रूर यूज़ करना और चिली फ्लेक्स भी. ये दोनों अलग अलग मसाले हैं, इसको एक साथ कंफ्यूज़ नहीं करना है, दोनों यूज़ करने हैं. अब ये तैयार हो चुका है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एक कढ़ाई में मैंने ऐड किया ऑयल जो कि है 1.5 कप. इसको मैं बाद में निकाल दूँगी, लेकिन अभी आपने इसके अंदर चिकन को फ्राई करना है. ये देखें चिकन को आपने, इसको चिकन डालना है और ऑयल जब गर्म होने का तब डालना है, शुरू में नहीं डाल देना. इसको आपने स्टिर करना है और हाँ, अब इसको फ्राई आपने 8 से 10 मिनट के लिए करना है. इतना करना है कि थोड़ा सा गोल्डन हो जाए. ये मैंने बीच में से कट की थी, मैंने चॉप नहीं की, इसी तरह आपने डालनी है. अब मैंने ऑलमोस्ट 5 green chilies ली हैं. इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने और बीच में से काट कर डालनी है आपने जो ये ग्रीन चिलीज़ हैं, चॉप बिल्कुल भी नहीं करनी. ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, अब मैं रिमूव कर दूँगी. जो एक्सेसिव ऑयल था आपने रिमूव कर लेना है ऑयल जितना चाहे. अगर आपको अभी भी रिमूव करने का थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, आप और रिमूव कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है. ये ऑलमोस्ट मैंने रिमूव कर दिया, मेरे पास ऑलमोस्ट 1/2 कप ऑयल यहाँ पे रह गया. फिर मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि 3 टेबलस्पून. इसको आपने सही से मिक्स करना है फॉर अ मिनट. मिक्स करने के बाद मैंने ऐड किया लेमन जूस जो कि 1 टेबलस्पून. फिर टोमेटो पेस्ट 200 ग्राम्स मैंने ऐड किया, यानी कि 2 साशे मैंने यूज़ किए थे. इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना ताकि टोमेटो पेस्ट अच्छे से कोट हो जाए चिकन के पीसेस पे. और मैंने गाइस अभी भी फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी है. फिर जब ये मिक्स करने के बाद मैंने ये जो हमने स्पाइस मिक्स प्रिपेयर किया था, इसके 2 टेबलस्पून मैंने डाले हैं. अभी आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस. इसको सही से मैंने मिक्स कर दिया है. अब इसको आपने कवर कर देना और कुक करना है 7 to 8 मिनट्स एट लो फ्लेम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है. तो आपने 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको कुक करना है. अच्छा जी, 7 to 8 मिनट्स के लिए कुक करने के बाद मैंने कोयला लिया, उसको गर्म किया और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला. बिल्कुल स्मोक चिकन का जैसा टेस्ट देगी. तो आपने इसको कवर और कुक करना ओनली फॉर 5 मिनट्स एट लोएस्ट पॉसिबल फ्लेम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है. सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है ताकि ये स्मोक चिकन का जैसा टेस्ट दे. और यहाँ पर हमारी स्मोक चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी. और आप चाहें तो इसको चावलों के साथ, या फिर मैं चाहूँगी कि आप लोग तंदूरी रोटी के साथ या नान के साथ खाएँ. आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस the bell icon and try this recipe out, because this is a very good recipe that can be easily made at home. And guys, with that I will say Allah Hafiz and Allah Nigeban.